नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। देवस्य तोवा, इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नम आशवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की नीराजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि तीन दिशाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम, इस मंत्र से विज उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। कल तक यहाँ तक था, तो हम जान लेते हैं कि मैं पाठ क्यों कर रही हूँ। तो पाठ ये मैं कर रही हूँ कि एक शुभ कार्य है, ये मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपका मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब चलते हैं हम आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। तो इस मंत्र से, जो मैंने कल बताया था, उस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। एष्टे, इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः, इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य, इस ऋषा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह पांच मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देव गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर को भी सज्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। साध्योजातम, इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाम देवाय, इस इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय, इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्धि बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भवनाशाय महादेवाय धीमहि, उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशि मालिने। इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव शक्ति से भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है, मैं उसे बताता हूँ। सुनो, हर महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाक
धृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरा नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात शूलपानाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम इनाग्रशे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजा संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र से अंग न्यास और करण न्यास की विधि भलीभांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान दें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है, सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुखकारी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्दासित हो जाता है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। अब वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं, नया तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।